दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो आप लोग की भारी भरकम डिमांड पर है कि जरा सा बताइए कि एस वालों का प्यार ए वालों के प्रति कैसा रहता है या फिर ए वालों का एस वालों के प्रति। तो आज का हमारा वीडियो कुछ ऐसा ही है। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो कुछ पसंद आ जाए तो आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ दिल में बात आ जाए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए फिर चलिए शुरू कर दें। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एस वाले अपने प्यार के प्रति काफी सीरियस रहते हैं और इनके प्यार की शुरुआत भी बहुत ही धीमी गति से होती है और इन सभी बातों के पीछे कारण इनका अपना शर्मीला स्वभाव होता है। और वहीं ए वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि ये भी अपने प्यार के प्रति काफी गंभीर रहते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफी ईमानदार होते हुए भी कई बार इनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती। तो यहाँ पर आप ये सरल शब्दों में जान लें कि इसके दो रीजन है। अब बताते हैं आपको इसका पहला रीजन। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये मान लें कि एस वालों का ए ना वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमियां बहुत होती हैं। और यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि ए वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है लेकिन एस वालों से थोड़ा सा कम। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे और हम क्या कहना चाहेंगे बल्कि ये कहा ही गया है कि प्यार की डोर दोस्तों बहुत ही नाजुक होती है और इसको अगर आपने अपनी गलत फहमियों में उलझ कर जरा सी भी खींचने की कोशिश की तो आगे आप खुद समझ सकते हैं कि इसका क्या हल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों से ही ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके मन में या दिल में कोई भी बात है तो सामने वाले के साथ शेयर जरूर किया करें। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर ये दोनों में ही देखा गया है कि चाहे एस नाम वाले हो या ए नाम वाले दोनों ही का गुस्सा रहता है नाक पर यानी कि प्यार कम और गुस्सा ज्यादा। और देखा जाए तो गुस्से की कोई खास वजह भी नहीं होती। मतलब यहाँ पर तो ये है कि फोन नहीं उठाया तो गुस्सा, फोन देर में उठाया तो गुस्सा, फोन वेटिंग में चला गया तो गुस्सा और कहीं फोन स्विच ऑफ चला गया तो फिर कहना ही क्या। मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और सिर्फ गुस्सा। और इसी गुस्से की वजह से ये लोग कई कई बार कुछ कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ ये भी देखा गया कि डाउन ज्यादातर एस मतलब एस नाम वाले ही होते हैं। ये अपने पार्टनर साथ ज्यादा देर तक या फिर ये कह लो ज्यादा दिन तक गुस्से को रोक कर नहीं रख पाते हैं। और ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि ए वाले बातचीत की शुरुआत पहले करें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ए नाम वाले प्यार हो या कोई और बात ये जल्दी कंप्रोमाइज या फिर ये मान लो जल्दी नहीं पिघलते। साथ ही दोस्तों और भी ना जाने कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे लेकिन हाँ जो तो खास मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको जरूर बता दी। अगर यही दो बातों पर ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा अपनी ट्यूनिंग बनाकर चलें तो मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि इनसे प्यारी कोई जोड़ ही नहीं।